हेलो फ्रेंड्स चलिए आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक और नए डिज़ाइन का डोरमेट तो देखिए जिसके लिए मैंने ये दो कलर लिए हैं और ये मैंने बेबी बुल ली है इसे हम बहुत ही मुलायम सा और गुदगुदा पायदान बनाएंगे जो ही मुलायम लगेगा और देखने में सुंदर लगेगा तो देखिए आप अपनी पसंद के कलर ले लें अगर आप इसे पुरानी साड़ी और चुन्नी से बनाना चाहें तो उससे भी हम इसे बना सकते हैं तो बनाने में बहुत ही आसान है और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है तो चलिए देखिए जिसके लिए मैंने ये यहाँ पे बत्तीस फंदे डाले हुए हैं ये देखिए मैंने ये टेन नंबर सिलाई ली है और इसमें ये मैंने बत्तीस फंदे डाले हुए हैं अगर आपको इससे बड़ा बनाना है तो आप इससे बड़ा भी इसे इस बना सकती हैं तो फंदे हमें देखिए दोनों कलरों से आधे आधे लेने हैं तो देखिए यहाँ पे ये यह हमारे बत्तीस फंदे हैं तो फिर सोलह फंदे ये यह हमारे यहाँ पे देखिए मैं आपको गिन के बता दूँ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह तो ये सोलह फंदे ये हमारे येलो कलर के हैं और यहाँ पे आठ फंदे ये हमारे ग्रीन कलर के हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और आठ ही फंदे इधर हैं तो ये मैंने तीन जगह फंदे डाले हैं तो तीनों तीनों जगह ये हमारे फंदे अलग अलग हैं तो इसके लिए हमें दो गोले लेने पड़ेंगे एक कलर से अगर हम एक ही गोले से बनाएंगे तो हमारे धागे इसमें लंबे लंबे आएंगे और हमारी ऊन भी वेस्ट जाएगी तो इसलिए हमें दो गुल्ले इसमें लगाने हैं तो देखिए इसके बाद हम यहाँ पर तो बड़ा बनाना है तो आप इसी तरीके से फंदे लें बीच में जैसे कि आपको बनाना है चालीस फंदों का तो यहाँ पर लीजिए आप बीस फंदे यहाँ पर ले लीजिए येलो फंदों के बीच में देखिए और दस दस फंदे इधर ले लीजिए इस तरह से हमें जितना भी बड़ा बनाना है आधे आधे फंदे कर लेंगे तो यहाँ पर आधे इधर आधे इधर और आधे बीच में तो ये हमारे आधे आठ आठ फंदे हैं तो आधे फंदे हमारे दोनों कलर से हो गए एक कलर से और आठ सोलह फंदे ये हमारे एक कलर से हो गए तो इस तरह से हमें फंदे यहाँ पे कर लेने हैं और देखिए चलिए हम बनाना शुरू करते हैं अगर आपको बनाना है साठ फंदों का तो आप यहाँ पे कर लीजिए तो साठ फंदों का बनाना है तो तीस फंदे आप बीच में ले लीजिए और पंद्रह फंदे इधर और पंद्रह फंदे इधर इस तरह से आप फंदे ले लें तो बनाने का तरीका सेम रहेगा तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं बनाने से पहले अगर आ, आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके डोरमेट कैसा लगा तो फैला फंदा उतार लिया है हमने और देखिए इस तरह से हम बना लेंगे दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सिलाइयों से ही बनाएंगे बहुत ही गुदगुदा बहुत ही गुलाम सब पायदान बनेगा ये जैसे बाज़ार में मिलता है बिल्कुल उसी तरह से लगेगा तो देखिए यहाँ पे हमने आठ फंदे बना लिए ग्रीन कलर से अब देखिए यहाँ पे हम इन्हें जॉइन कर देंगे तो इस वाले धागे को ग्रीन कलर के धागे को आगे की तरफ करेंगे और येलो कलर से बनाएंगे देखिए इस तरह से पीछे से यहाँ पे थोड़ा टाइटली ही बनाएंगे जिससे ये हमारे फंदे अच्छे से यहाँ पे जॉइन हो जाए इसी तरह से हम आगे के फंदों को ज्वाइन करेंगे बहुत ही आसान है बनाने में और बहुत ही जल्दी हम इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं तो ये देखिए ये हमने येलो कलर वाले फंदे बना लिए अब देखिए हम इसे ग्रीन कलर वाले फंदों को बनाएंगे तो इन्हें हम देखिए इस तरह से येलो कलर को आगे करेंगे और ग्रीन कलर को पीछे से ले लेंगे तो इस तरह से हम दोनों साइड के फंदे यहाँ पे जोड़ देंगे तो देखिए ये हमने यहाँ पे एक सिलाई बना ली अब देखिए हम सीधी ये हमारी उल्टी साइड रहेगी और इधर की हमारी सीधी साइड रहेगी तो इधर भी देखिए इस तरह से बनाएंगे उल्टा उल्टा पहला फंदा उतार लेंगे को अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पे बना लेंगे इस तरह से अब देखिए यहाँ पे हम ग्रीन कलर को पीछे करेंगे और येलो कलर को खींचते हुए यहाँ पे ये देखिए इस तरह से ये ग्रीन कलर को पीछे किया और येलो कलर को यहाँ पे हम इस तरह से खींचते हुए क्रॉस में लेंगे तो देखिए इस तरह से ही हमने ग्रीन कलर को आगे कर लिया है और येलो कलर को यहाँ पे आगे लेंगे एक दो सिलाई में थोड़ी दिक्कत सी होती है आराम से ही बनाएं हंदे जॉइंट होने में ऐसे ही हम इधर से बनाएंगे तो देखिए इधर से भी हम इसी तरह से बनाएंगे ये हमने येलो कलर वाले फंदे बना लिए अब हम ग्रीन कलर के फंदे बनाएंगे यहाँ पे देखिए हम येलो कलर को पीछे करेंगे और ग्रीन कलर को हम आगे लेंगे क्रॉस में ये देखिए इस तरह से क्रॉस में है आगे करेंगे और ग्रीन कलर के फंदों को बना लेंगे तो देखिए ये मैंने यहाँ पे सीधी सिलाई भी बना ली है अब देखिए हमने सीधी सिलाई बना ली अब देखिए इसके बाद हम फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं तो पहला फंदा उतारेंगे गुल को अपनी तरफ करेंगे और देखिए इसी तरह से फिर से बनाएंगे बहुत ही आसान है बनाने में अब देखिए यहाँ पे हम ग्रीन कलर को पीछे करेंगे और येलो कलर को सॉरी आगे करेंगे और येलो कलर को पीछे से बनाएंगे ऐसे ही हम दूसरी साइड करेंगे हमें हर बार धागा क्रोश में ही आगे करना है और क्रोश में ही पीछे करना है तो देखिए इधर से भी हम इसी तरह से करेंगे तो येलो कलर को आगे करेंगे और ग्रीन कलर से पीछे से बनाएंगे तो देखिए ये पहला लास्ट का फंदा हम इस तरह से सीधा बना लेंगे तो ऐसा बनाने से ये हमारी दोनों तरफ की किनारी अच्छे से आएगी तो ये हमने दोनों तरफ की ये देखिए तीन सलाइयाँ बना ली हैं तो इसी तरह से हमें इसी डिज़ाइन को बनाना है तो चलिए यहाँ पे मैं बना लेती हूँ उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि कितनी सलाइयाँ मैंने यहाँ पे इसी तरह से बनानी है बिल्कुल सेम इसी तरह से हमें बनाते हुए जाना है ऊपर की तरफ तो चलिए पहले मैं बना लेती हूँ देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इस तरह से ये आठ सिलाइयाँ बना ली हैं ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ तो ये आठवीं सिलाई हमारी सिलाई में ही है तो ये हमारी आठ सिलाइयाँ यहाँ से यहाँ तक हो गई हैं अब देखिए इसके बाद हम उल्टी सिलाई बनाएंगे तो उल्टी सिलाई हम यहाँ पे पूरी येलो कलर से बनाएंगे तो अब हम देखिए ग्रीन कलर से नहीं बनाएंगे येलो कलर से हमें पूरी सिलाई बनानी है ये धाग धागों को हम थोड़ा ढीला ही लेंगे जिससे ये हमारा डोरमेट खिंचे नहीं अगर धागे दा, हम टाइट लेते हैं तो ये हमारे खिंच जाते हैं डोरमेट तब भी हम जो भी हम डोरमेट बनाएं उनमें इस तरह से अगर हमें बनाना है धागों को तो हम ढीला ही लें देखिए पूरी सिलाई हम यहाँ पे इसी तरह से येलो कलर से बना लेंगे तो देखिए हमने एक सिलाई यहाँ पे येलो कलर से बना ली है अब देखिए हम सीधी सिलाई पर हैं तो सीधी सिलाई सिलाई को भी हम इसी तरह से बनाएंगे उल्टा उल्टा तो अब हमें देखिए येलो कलर से ही बनानी है ग्रीन कलर को हम यहाँ पे कट कर लेंगे क्योंकि ये इर्जते हैं दिक्कत करते हैं अब हमें इनसे नहीं बनाना है सिर्फ यहाँ पे हमें सत्रह सिलाइयाँ येलो कलर से ही बनानी है तो एक तरफ की हम सोलह या सत्रह सिलाइयाँ यहाँ पे बना लेंगे उसके बाद हम फिर से इस वाले डिज़ाइन को बनाएंगे तो चलिए यहाँ पे मैं सत्रह सिलाइयाँ बना लेती हूँ उसके बाद मैं आपको फिर से इसी डिज़ाइन को बनाएंगे हम तो ये मैंने दोनों तरफ की यहाँ पे दो सिलाइयाँ येलो कलर से बना ली हैं ये देखिए लास्ट वाला फंदा हमें इस तरह से सीधा बनाना है तो ये हम दो तरफ की दो सिलाइया बना चुके हैं हम इन धागों को यहाँ पे कट कर लेंगे क्योंकि ये इजते हैं तो थोड़ी दिक्कत सी होती है और इसके बाद हम अब येलो कलर से ही यहाँ पे बनाएंगे तो अब देखिए फ्रेंड्स ये मैंने यहाँ पे सोलह सिलाइया बना ली हैं यहाँ से यहाँ तक एक एक दो तीन चार पच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह तो ये सोलह सिलाई हमारी सिलाई में है अब देखिए उल्टी तरफ तो उल्टी तरफ से अब हम देखिए इसी डिज़ाइन को बनाएंगे अगर आपको बड़ा बनाना है तो यहाँ पे आपको ज़्यादा सिलाई बनानी पड़ेंगी यहाँ से यहाँ तक तो देखिए अब देखिए हम यहाँ पे फिर से इसी डिज़ाइन को बनाएंगे तो यहाँ पे हम फिर से ग्रीन कलर को लगा लेते हैं तो आठ फंदों में हम यहाँ पे ग्रीन कलर को लगाएंगे देखिए एक दो धागे को हम यहाँ पे दबा लेंगे इस तरह से तीन चार देखिए पाँच सात, आठ ये आठ फंदे हमने यहाँ पे बना लिए हैं ग्रीन कलर से अब देखिए हम येलो कलर से बनाएंगे सोलह फंदे येलो कलर के बना लेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह तो ये सोलह फंदे हमारे येलो कलर के हो गए और आठ फंदे यहाँ पे हमें फिर से ग्रीन कलर से बनाने हैं तो देखिए इधर के भी फंदे हम बना लेते हैं ग्रीन कलर से एक दो तीन चार पाँच छः सॉरी ये धमा भूल गए सात आठ आठ फंदे हमने यहाँ पे ग्रीन तो देखिए हमने दोनों तरफ के फंदे यहाँ पे बना लिए हैं आठ आठ ग्रीन कलर से अब देखिए हम सीधी सिलाई पे भी इसी तरह से बना लेंगे ग्रीन कलर के फंदे ग्रीन कलर से और येलो कलर के फंदे येलो कलर से तो यहाँ पे उतनी ही सिलाइयाँ बनाएंगे जितनी सिलाइयाँ हमने यहाँ पे शुरू में बनाई हैं उतनी सिलाइयाँ हम यहाँ पे भी इसी तरह से बना लेंगे तो यहाँ पे धागा देखे पीछे करेंगे क्रोश में देखिए इस तरह से हर बार हम धागा क्रोश में ही लेंगे तो चलिए हम बना लेते हैं यहाँ पे इस तरह से ये देखिए जिस तरह से हमने ये यहाँ पे बनाई हैं सिलाइयाँ उतनी सिलाइयाँ हम यहाँ पे बनाएंगे उसके बाद हम सवरे फंदों को बंद कर देंगे ग्रीन कलर के फंदों को ग्रीन कलर से येलो कलर के फंदों को येलो कलर से तो चलिए मैं आपको बना करके इसे दिखाती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने डोरमेट यहाँ पर बना कर कम्प्लीट कर लिया है देखिए यहाँ पर मैंने सारे फंदे बंद कर दिए हैं बनाने के बाद ये देखिए ग्रीन कलर के फंदे ग्रीन कलर से और येलो कलर के फंदे येलो कलर से और देखिए यहाँ पे मैंने देखिए सुई धागे से फ्लावर बनाया है उसमें ये मोती लगा दिया है जिससे ये और भी सुंदर लग रहा है अगर आप इस तरह का फ्लावर या बना बना सकते हैं तो इस तरह का फ्लावर बना लें या इसमें कोई भी पम पोम्स या स्टोन जो भी आपको अच्छा लगे आप वो इसमें लगा लें तो जिससे ये और भी सुंदर लगेगा आप या सिंपल ही रहने दें बीच में कुछ नहीं लगाएं ऐसे भी अच्छा लगेगा जैसे आपको पसंद हो आप वैसा इसे कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पे ये डोरमेट हमारा बनकर कंप्लीट है और दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है ये देखिए फ्रेंड्स और बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है ये बहुत ही मुलायम प्लीज़ अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये डोरमेट कैसा लगा